अयूबी सल्तनत या सल्तनत आले अयूब कुर्द नस्ल के मुसलमान ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसने 12वीं और 13वीं सदी में मिस्र, शाम, यमन, दियारे बाकर, मक्का, हिजाज और शमाली इराक पर हुकूमत की। अयूबी सल्तनत के बानी सलाहुद्दीन अयूबी थे, जिनके चचा शेरको ने जंगी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सिपा सालार की हैसियत से 1169 ईस्वी में मिस्र फतह किया था। इस सल्तनत का नाम शेरकोह के भाई और सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अयूब के नाम पर अयूबी सल्तनत पड़ा। सलाहुद्दीन ने मिस्र में फातमी सल्तनत का खात्मा किया और 1174 ईस्वी में नूरुद्दीन के इंतकाल के बाद दमिश्क पर कब्जा करके शाम को भी अपनी कलमरों में शामिल कर लिया। सलाहुद्दीन सलीबी जंगों के दौरान 1187 ईस्वी में जंगे हुतैन में सलीबियों को अजीम शिकस्त, फतह बैतुल मुकद्दस और इसके नतीजे में होने वाली तीसरी सलीबी जंग में फतह के बायस दुनिया भर में मशहूर हुए। सलाहुद्दीन 1193 ईस्वी में इंतकाल कर गए, जिसके बाद सल्तनत इनके बेटों के दरमियान बट गई और बिलाखिर 1200 ईस्वी में सलाहुद्दीन के भाई अल आदिल पूरी सल्तनत का कब्जा हासिल करने में कामयाब हो गए। 1218 ईस्वी में अल आदिल और 1238 ईस्वी में अल कामिल के इंतकाल पर भी यही सूरत हाल सामने आई। 1250 ईस्वी में आखिरी अयूबी सुल्तान तौरान शाह कत्ल हो गया और इसके ममलूक गुलाम जरनैल ऐबक ने बहरी ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। मिस्र के हाथों से निकल जाने के बाद अयूबियों ने अगले 80 साल तक शाम में मज़ाहमत जारी रखी और बिलाखर 1334 ईस्वी में शाम भी मुकम्मल तौर पर ममलूकों में शामिल हो गया। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तलवार हक को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम सबका हमयुनस है।